दोस्तों जब भी हम किसी भारी चीज को अपने पंजों से उठाते हैं या फिर हम किसी से पंजा लड़ाते हैं तो सबसे ज्यादा हम अपने फोरआर्म्स मसल्स का यूज करते हैं, या घर में हम जब भी कोई काम करते हैं किसी भी भारी चीज को उठाते हैं जिसमें हमारी उंगलियां जिसमें हमारी फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं तो उसमें हम अपने फोरआर्म्स की ताकत सबसे ज्यादा लगाते हैं, और इसीलिए हमारी फोरआर्म्स मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको आप अपने घर पर ही कर सकते हैं और घर पर ही करके अपने फोर आर्म्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप डंबल का यूज करके बारबेल का यूज करके अपने फोर आर्म्स की वर्कआउट को कर सकते हो, आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। जो हमारी फोर आर्म्स मसल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, इनका जो एंड पॉइंट होता है वो हमारी फिंगर से हमारी उंगलियों से कनेक्टेड होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की, आते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं फोर आर्म पुशअप। इस एक्सरसाइज में हमको अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करके और जमीन पे रखना होता है जैसे नॉर्मल हम पुशअप करते हैं उसी तरीके से करना होता है, बस अपने जो रिस्ट अपनी जो कलाइयां होती हैं उनको टाइट रख के और कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। इस पोस्चर को परफॉर्म करने से हमारी कलाइयां काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, उसके साथ में हमारा जो फोर आर्म है वो भी काफी तेजी से चौड़ा होता है। इस एक्सरसाइज में हम जितने ज्यादा रेप्स निकाल सके उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है, तो मिनिमम आपको 3 सेट करने होते हैं और 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज में हमें किसी भी भारी रॉड या कोई भी स्टिक हो जो थोड़ी सी भारी हो उसको पकड़ना होता है अपने हाथों में और कुछ इस तरीके से पोस्चर को परफॉर्म करना होता है। इस पोस्चर को करने से हमारी ग्रिपिंग काफी स्ट्रांग होती है, उसके साथ में हमारी जो फोर आर्म्स मसल्स है वो भी स्ट्रांग होती है, उनमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसमें आप आगे हाथ करके भी कर सकते हो और साथ में अपने हाथों को पीछे से भी उठा के इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 15 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अगली एक्सरसाइज पे जो कि है रिस्ट रोलर। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपने फोर आर्म्स को जल्दी से जल्दी काफी स्ट्रांग और काफी चौड़ा बनाना चाहते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करते हैं, और आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि रोलर हमें बनाना कैसे होता है। घर पे अगर आप बनाना चाहते हो तो इसमें आप किसी भी छोटी सी रॉड ले सकते हो या कोई लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हो, उसके साथ में कोई पाइप ले सकते हो, उसमें कुछ आप लोग रस्सी फंसा के और नीचे उस रस्सी में वेट कोई भी वेट लगा सकते हो किसी भी तरह का भारी वजन लगा के, और आप अपने घर पर ही इसको रिस्ट रोलर को बना सकते हो और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में एक बात आप लोग ध्यान रखना कि अपने हाथों को एकदम सीधा रखना जब इस एक्सरसाइज को करना, और धीरे धीरे रोलर को घुमाना, मतलब धीरे धीरे घुमाना एकदम जब रोलर टाइट हो जाए उसके बाद धीरे धीरे ही उसको नीचे लाना, तभी आपके जो फोर आर्म्स मसल है उनमें बहुत ज्यादा एक्टिवेशन होगा। और अगर आप लोग अपने फोर आर्म्स को जल्दी चौड़ा करना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज आप लोग जरूर करना। इस एक्सरसाइज को आप जितनी देर परफॉर्म कर सको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे जो कि है पुलअप। अभी देखिए नॉर्मल पुलअप तो हम सभी को पता है, लेकिन अगर आप लोग अपने फोर आर्म्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आप लोग किसी रस्से को या फिर किसी टावल को किसी बार पे लटका के और कुछ इस तरीके से पुलअप करना, ये काफी ज्यादा आपके जो फोर आर्म्स हैं उन पे असर करता है। थोड़ी सी ये हार्ड है बट आप लोग जब करने लगोगे तो धीरे धीरे आपसे होने लगेगा, और अगर आप लोग इसके अच्छे से पोस्चर परफॉर्म करने लगोगे तो आपके फोर आर्म्स बहुत ही जल्दी स्ट्रांग हो जाएंगे। आप लोग इस एक्सरसाइज के करना 3 सेट 5 रिपीटेशन की। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिनको आप अपने घर पे करके और बहुत जल्दी अपने फोर आर्म्स मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो में दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।